बुधवार के दिन गणेश पूजा की जाती है, तो वहीं आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन इस बार 17 मार्च 2021 दिन बुधवार यानी आज मनाया जाएगा। बुधवार का दिन बप्पा को समर्पित किया जाता है और इस बार बुधवार के दिन ही विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाएगा। बता दें कि बुधवार को चतुर्थी तिथि पड़ने से इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि विनायक चतुर्थी पर पूजा अर्चना और व्रत करने से बप्पा अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि इस दिन कुछ उपाय करने से जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है। चलिए बताते हैं आपको उन उपायों के बारे में। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, जिससे निकलने के तमाम प्रयासों को करने के बाद भी समस्याओं से पीछा नहीं छूट रहा है, तो इसके लिए विनायक चतुर्थी पर गणेश जी के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करें। इसके बाद बप्पा से अपनी समस्या कहें और परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करें। ये मंत्र न केवल आपको परेशानियों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि इस मंत्र के जाप से बप्पा प्रसन्न होकर अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। यदि आप किसी संपत्ति से संबंधित विवाद से परेशान हैं, तो विनायक चतुर्थी पर गणेश जी को चांदी का टुकड़ा अर्पित करें। इसके अलावा यदि आप किसी तरह के मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो विनायक चतुर्थी पर गणेश जी को सतवारी चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। घर में यदि किसी प्रकार की कलह हो, तो गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को गेंदे के फूल की माला अर्पित करें। बाद में ये माला अपने द्वारा वंदनवार की तरह लटका लें। इससे आपके घर में शुभता और शांति का वास होता है। अगर किसी के प्रेम जीवन में समस्याएं आ रही हों, तो उन्हें विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश के 5 इलायची और 5 लौंग अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि इसे गणपति बप्पा प्रसन्न होते हैं और धीरे धीरे आपके प्रेम संबंध फिर से मधुर हो जाते हैं। विवाहित लोगों को विनायक चतुर्थी पर मंदिर में जाकर भगवान गणेश को हरे रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। यदि किसी के ऊपर किसी की बुरी नजर है, तो गणेश जी का ये टोटका जीवन भर रक्षा करेगा। एक नारियल जटा वाला गीला लें और उसे अपने सिर से पैर तक 7 बार घुमाकर भगवान श्री गणेश के चरणों में तोड़ दें। ध्यान रखें कि उस नारियल को घर साथ लेकर ना आएं। आपकी बुरी नजर हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बुधवार के दिन गणेश जी को साबुत मूंग के साथ धनिया का चूरमा प्रसाद के तौर पर चढ़ाएं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गणेश जी को इसका भोग अत्यंत प्रिय होता है। उन्हें चूरमा का भोग लगाने से खास कृपा होती है। बुधवार को गणपति को हरी घास यानी दुर्वा जरूर चढ़ाएं। इससे आपके धन प्राप्ति का योग बनेगा। हर बुधवार गणेश जी को 5 दुर्वा अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है, साथ ही आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।